देश भर में गंगा दशहरा की धूम। हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। आतंकी हमले की आशंका के बाद कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। यूपी बीजेपी के सभी 9 प्रत्याशी आज एमएलसी के लिए करेंगे नामांकन। सीएम योगी और स्वतंत्र देव की मौजूदगी में भरेंगे पर्चा। एमएलसी चुनाव में नामांकन के साथ ही सपा में मची खलबली। महादल ने तोड़ा गठबंधन तो शिवपाल सिंह यादव ने भी दिखाए तेवर। सपा गठबंधन से अलग होने के बाद केशव देव मौर्य और शिवपाल यादव के बीच बातचीत। फोन पर अखिलेश से नाराजगी पर हुई बात, जल्द होगी मुलाकात। केशव देव मौर्य के बाद अरविंद राजभर हुए सपा से नाराज। लगा बड़ा आरोप, कहा सपा ने सुबह सभा को किया नजरअंदाज, जो वादे किए गए थे पूरे नहीं। अखिलेश यादव को झटके के बाद झटका। केशव अरविंद के बाद जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के संजय चौहान हुए नाराज। संजय चौहान को मनाने पहुंचे सपा नेता उदयवीर सिंह, बोले संजय जल्द लेंगे बड़ा फैसला। एक ही दिन में अखिलेश पर टूटे कई सियासी पहाड़। चाचा शिवपाल यादव ने स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान। एसपी से अलग होकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेगी बीएसपी। बीएसपी ने लोकसभा उपचुनाव के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पार्टी के कद्दावर नेता सतीश चंद्र मिश्रा का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं। यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में बंपर भर्ती, आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू। एक्शन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर पहुंचे डिप्टी सीएम। सीएमओ दफ्तर का किया निरीक्षण, अधिकारियों में हड़कंप। मुख्तार अंसारी बाहर का खाना खाएगा या जेल का, इस पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। बाहर का खाना दिए जाने के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई। वाराणसी कोर्ट ने स्वामी अभी मुक्तेश्वरन सरस्वती की याचिका के खारिज। ज्ञान व्यापी में पूजा पाठ संबंधी याचिका खारिज। सुनवाई के बाद फैसला रखा गया था सुरक्षित। अयोध्या में राम मंदिर मॉडल पर रेलवे स्टेशन का निर्माण जारी। पहले फेज का काम पूरा, फरवरी 2023 में रेलवे स्टेशन का होगा उद्घाटन। 2 फुट ब्रिज और 4 एस्केलेटर, 6 लिफ्ट की सुविधा। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर और उसके साथियों की पुलिस रिमांड पर आज फैसला। विदेशी फंडिंग मामले में हयात जफर से पूछताछ करेगी पुलिस। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर का विदेशी फंडिंग कनेक्शन। हयात और उसके करीबियों को विदेश से की जा रही थी फंडिंग। हयात जफर आशमी को 2019 से हो रही थी विदेशी फंडिंग। 3 साल के कद में करीब 48 करोड़ का हुआ लेन। सूत्रों के मुताबिक हयात जफर का बाबूपुरवा इलाके की प्राइवेट बैंक में खोला गया था खाता। अकाउंट पे 30 जुलाई 2019 को 3,54,00,000 रुपए जमा किए गए। सूत्रों की माने तो हयात के बैंक खातों में 47,68,00,000 रुपए की हो चुका है लेन देन। हयात जफर को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी पुलिस। हयात जफर की विदेशी फंडिंग को लेकर जल्द ही ईडी कर सकता है जांच। हिंसा के मास्टरमाइंड की विदेशी फंडिंग कनेक्शन को खंगालेगी। कानपुर हिंसा मामले में अब तक 54 आरोपी गिरफ्तार। हिंसा प्रभावित इलाकों में सबूत इकट्ठा कर रही है एसआईटी। कानपुर के कई इलाकों में पुलिस ड्रोन से कर रही निगरानी। रूपम चौक, हलीम कॉलेज सहित कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। कानपुर के बेगनगंज में पुलिस और एसआईटी टीम को मिले कई अहम सबूत। मौके से पत्थर और पेट्रोल को खाली बोतलें बरामद। जुमे की नमाज से एक दिन पहले कानपुर में कड़ी सुरक्षा। पूरे शहर में धारा 144 लागू। जुमे की नमाज से पहले कानपुर में चला अभियान। बुलडोजर, सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाया गया। कानपुर में बेगनगंज हिंसा का नया वीडियो आया सामने। पथराव और बमबाजी का वीडियो। गली से निकले लोग पथराव करते नजर आए। कानपुर हिंसा के बाद चंद्रशेखर हाता के लोगों ने पलायन की खबरों का किया खंडन। कहा पलायन नहीं पराक्रम करें। कानपुर में बेगनगंज हिंसा का नया वीडियो आया सामने। पथराव बमबाजी का वीडियो। गली से निकले लोग पथराव करते नजर आए। नई सड़क पर स्थित मस्जिद के पास का है वीडियो। कानपुर हिंसा मामले में सपा विधायकों ने पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात। विधायक इरफान सोलंकी ने कहा निर्दोष लोगों पर ना हो कार्रवाई, एक पक्षीय कार्रवाई पर भी जताया विरोध। मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों को तोहफा। 17 फसलों की एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी। धान, बाजरा, मक्का की एमएसपी बढ़ी। तिल, मूंग, सूरजमुखी की भी एमएसपी बढ़ाई गई। कैबिनेट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले किसान हित में कर रहे काम। 10,000 एफपीओ बनाए गए। मोदी कैबिनेट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले किसानों के हित के लिए सरकार पूरी तरह समर्पित। पिछले 8 सालों में सरकार ने किसानों के लिए किया काम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अनुराग ठाकुर कृषि क्षेत्रों में कई बड़े उत्पादन बढ़ा। आयात पर निर्भरता घटी। 1,26,000 करोड़ हुआ कृषि बजट।
लखनऊ के नए डीएम सूर्यपाल गंगवार ने कार्यभार ग्रहण किया। फिरोजाबाद से लखनऊ पहुंचे सूर्यपाल गंगवार। हापुड़ में फैक्ट्री में हुए विस्फोट का वीडियो वायरल, हादसे से पहले का सामने आया वीडियो। फैक्ट्री में काम करते थे नाबालिग बच्चे, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जौनपुर में अनियंत्रित होकर बोलेरो खाई में पलटी, हादसे में 5 लोग घायल, सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश दिलशाद पुलिस के हत्थे चढ़ा। शाहजहांपुर पुलिस ने दंगों से निपटने के लिए किया मॉक ड्रिल, इस दौरान पुलिसकर्मियों ने दंगाइयों पर लाठीचार्ज करने, आंसू गैस और वाटर कैनन से पानी की बौछार छोड़ने का रिहर्सल। कुशीनगर में मंत्री संजय निषाद का दौरा, नारायणी नदी में मिलने वाली चिपुआ मछली के उत्पादन, अनुसंधान व संवर्धन के विषय में चर्चा। आगरा में स्थानीय पत्रकार पर हुआ हमला, पत्रकार संदीप वर्मा शर्मा हमले में गंभीर रूप से घायल, चेहरे और सर में आई चोट। बहराइच में खुलेआम बाघ का आतंक, बाइक सवार दो युवकों पर बाघ ने किया हमला, बैंक से पैसा निकालने जा रहे थे दोनों युवक। मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित ट्रक ने 5 लोगों को कुचला, चार की दर्दनाक मौत, एक गंभीर रूप से घायल, तेज रफ्तार निकल गया 5 की जान। संभल में फर्जी डॉक्टरों पर नकेल कसने की तैयारी, फर्जी डॉक्टरों पर हुई गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, एक महीने में 50 एफआईआर की गई दर्ज, झोला छाप डॉक्टरों में मचा हड़कंप। बुलंदशहर में दिनदहाड़े भाई बहन के साथ लूट, बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने अंजाम दी वारदात, रुपए मंगलसूत्र अंगूठी और कुंडल लूटे, पहासू इलाके के जटोला गांव के पास का मामला। अपराधियों पर छाया योगी सरकार के एक्शन का खौफ, सहारनपुर में मां के साथ अपराधी पहुंचे थाने, हाथ में पर्चा लेकर थाने में किया सरेंडर, अपराध से किया तौबा। प्रतापगढ़ में महिला की बेरहमी से वीडियो आया सामने, मां से रहम की भीख मांगती रही बेटी, नहीं पिघला मां का दिल, करती रही बेटी की पिटाई। नोएडा के पार्शवदास सोसाइटी के 8वें फ्लोर पर लगी आग, शॉर्ट सर्किट के पीछे से लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुजफ्फरनगर के पेपर मिल में आग का कहर, लाखों का सामान जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। उन्नाव में कानपुर जैसे पोस्टर से अशांति फैलाने की साजिश, बंदी के बुलावे का वायरल हुआ पोस्टर, पोस्टर वायरल होते ही हरकत में आया प्रशासन। कानपुर में हुए बवाल के बाद नोएडा पुलिस भी अलर्ट पर, धारा 144 का पालन करने की प्रशासन ने की अपील, व्यापारियों से अधिकारियों ने की वार्ता। जमीन के विवाद में सहारनपुर में चली गोली, गोली मारकर चचेरे भाई की हत्या, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, मामले की जांच कर रही है पुलिस। रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, सड़क हादसे में एक की मौत, 2 लोग हुए घायल, NH 232 पर हुआ हादसा। जालान नगर पालिका प्रशासन की अनूठी पहल, नगर में बनेगा पहला MRF सेंटर, गीला और सूखा कूड़ा इकट्ठा कर बनाई जाएगी जैविक खाद, केमिकल फ्री मिट्टी के विजन को लेकर उठाया गया कदम। श्रावस्ती में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने बरामद किया 3.5 क्विंटल नेपाली डली, करीब 6.5 लाख का नेपाली डली हुआ बरामद। सहारनपुर में पुलिस और बीजेपी नेता ने नोकझोंक का वीडियो आया सामने, ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने पर चालान काटे जाने पर भड़क गए बीजेपी नेता। उन्नाव के डीएम ऑफिस में आत्मदाह का प्रयास, बुजुर्ग ने जमीन पर कब्जा होने पर उठाया कदम, सुरक्षाकर्मी ने बचाई बुजुर्ग की जान, सीएम की कार्रवाई के आदेश। कानपुर में संदिग्ध हालत में एक दर्जन से अधिक घरों में लगी भीषण आग, घरों का सामान जलकर राख, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, पीड़ितों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान 3 गौ तस्कर गिरफ्तार, बदमाशों की गोली से एक कांस्टेबल भी घायल, कार, अवैध असलाह और गौकशी के उपकरण बरामद। बुलंदशहर में बाइक की आमने सामने भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौत, एक घायल, नरसेना थाना इलाके में हुआ हादसा। कानपुर हिंसा के बाद पूरे यूपी पुलिस का अलर्ट, दंगे से निपटने के लिए बहराइच में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल, पुलिसकर्मियों ने ली ट्रेनिंग। पंजाब से यूपी के शाहजहांपुर आए बुजुर्ग दंपति ने सीएम योगी से लगाई गुहार, जमीन से अवैध कब्जा हटाने की अपील, दबंगों ने बाघ पर किया है अवैध कब्जा। हापुड़ की फैक्ट्री में विस्फोट का मामला, प्रशासन ने मामले की जांच तेज की, फैक्ट्री के सहायक प्रबंधन को किया गिरफ्तार, गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का हुआ असर, दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दबंगों ने लेखपाल ग्रामीणों से की थी मारपीट, पैमाइश करने गए लेखपाल से की थी मारपीट। लखनऊ में नशे में धुत युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, युवक ने की महिला की पिटाई, मना करते रहे लोग, युवक करता रहा पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देहरादून में 10,000 की घूस लेते कानूनंगो गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने किया गिरफ्तार, रिपोर्ट लगाने के बदले घूस ले रहा था कानूनंगो, विजिलेंस ने आरोपी के घर की भी तलाशी ली।
उत्तरकाशी में गंगा दशहरा की धूम। गंगा दशहरा पर स्नान के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु, प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट पर बड़ा हादसा, रेल परियोजनाओं के टनल नंबर 7 में धमाका, एक मजदूर की मौत। नाराज मजदूरों ने रेल लाइन का निर्माण कार्य किया बंद। हरिद्वार में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप में डकैती की कोशिश, 6 डकैतों ने तमंचे के दम पर डकैती की कोशिश की, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला, दुकान हटाने पहुंची प्रशासन की टीम, स्थानीय लोगों ने किया हंगामा, व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर, हरिद्वार के गंगा घाट पर अश्लील रील्स बनाने पर होगी कार्रवाई, ऑपरेशन मर्यादा के तहत होगी कार्रवाई। कुतुब मीनार में हिंदू रीति रिवाज में पूजा की अनुमति मिलेगी या नहीं, दिल्ली की साकेत कोर्ट आज सुना सकती है बड़ा फैसला। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन की दलील, कुतुब मीनार को 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। वकील हरिशंकर जैन के मुताबिक कुतुब मीनार परिसर में आज भी कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद। इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने किया था दावा, कुतुब मीनार एएसआई की ओर से संरक्षित, लिहाजा यहां प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का दावा, कुतुब मीनार के अधिग्रहण के समय वहां पूजा नहीं होती थी, इसलिए अब वहां पूजा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी आज बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का करेंगे शुरुआत, दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा आयोजन, निवेशकों और वैज्ञानिकों को जोड़ने का है मकसद। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक, कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुलाई बैठक। 13 जुलाई को ईडी के सामने पेश होंगे राहुल गांधी, सभी नेता राहुल गांधी के साथ कांग्रेस दफ्तर से मार्च करके ईडी के दफ्तर तक जाएंगे। दिल्ली में बच्ची से बेरहमी का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई, खजूरी खास पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज, मां पर बच्ची के हाथ पांव बांधने का। सरकारी नौकरी का झांसा देकर पैसे ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 5 आरोपी किए गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का मामला, रॉन्ग साइड से आ रही बाइक को रोकने पर हुई खड़ा। महंगाई काबू में करने के लिए रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.5% का किया इजाफा, मौद्रिक समीक्षा नीति का ऐलान, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट के इजाफे का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आज से माता खीर भवानी मेले की शुरुआत, कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े धार्मिक कार्यक्रमों में से एक, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अमेरिका ने उत्तर कोरिया को दी चेतावनी, उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन का बयान, परमाणु परीक्षण किया तो देगा करारा जवाब, परमाणु परीक्षण यूएन के प्रस्तावों का पूर्ण उल्लंघन। पाकिस्तान सरकार पर इमरान खान का आरोप, मुझे सलाखों के पीछे भेजने की कोशिश कर रही है सरकार, चुनाव की घोषणा तक नहीं रुकेगा आंदोलन। पाकिस्तान में जर्मन विदेश मंत्री एना लेना बेरबॉक का बयान, कहा भारत के साथ रिश्ते सुधारने और कश्मीरी मुद्दे के समाधान में निभा सकते हैं भूमिका। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों की आग हुई भयानक, रिहायशी इलाकों के लिए बढ़ा खतरा, आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर। न्यूयॉर्क के वेस्ट चेस्टर स्टेशन पर एक महिला की बेरहमी से पिटाई, एक युवक ने महिला को प्लेटफॉर्म पर दिया धक्का, महिला को लगी गंभीर चोट। ब्राजील में ब्रिटिश पत्रकार डोम फिलिप्स और स्वदेशी मामलों के विशेषज्ञ ब्रूनो परेरा अमेजन के जंगलों में लापता, नौसेना की एक टीम तलाशी अभियान में जुटी। अमेरिका में बंदूक हिंसा की रोकने के लिए बड़ा कदम, न्यूयॉर्क में अब 21 साल से कम उम्र के लोग नहीं खरीद पाएंगे राशन। रूस यूक्रेन के बीच करीब 3.5 महीने से जंग जारी, रूसी हमले से यूक्रेन में भारी तबाही, रूस ने अत्याधुनिक तोपों को मैदान में उतारा। यूक्रेनी सेना भी रूस को दे रही है मुंहतोड़ जवाब, यूक्रेन के लड़ाकों ने तोपों से रूसी गोला बारूद के डिपो को किया तबाह। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना के हमले से भारी तबाही, खार्किव के एक सुपरमार्केट को निशाना बनाकर रॉकेट हमला। रूस यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध से भारी तबाही, होवित्जर M777 तोप से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला। यूक्रेन के दोनेत्स्क में रूसी सेना की बमबारी, रूसी हमले से इलाके में भारी तबाही, लोगों के बीच मचा खोखला। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज दिल्ली में खेला जाएगा सीरीज का पहला T20 मैच, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगी मैच की शुरुआत। मैच से पहले टीम इंडिया को झटका, कप्तान केएल राहुल चोट की वजह से साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर, ऋषभ पंत करेंगे टीम इंडिया की कप्तान।
मिताली राज ने फैंस को दिया बड़ा झटका, इंटरनेशनल क्रिकेट से अचानक लिया संन्यास। फिल्म फॉरेंसिक के प्रमोशन में जुटे विक्रांत, मैसी और राधिका आप्टे, 24 जून को रिलीज होगी फिल्म फॉरेंसिक। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और अभिमन्यु दसानी ने मुंबई में किया फिल्म निकम्मा का प्रमोशन, लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं शिल्पा शेट्टी। फिल्म निर्माता महेश भट्ट और हनी सिंह के बीच हुई बड़ी डील, वेब सीरीज इल्लू मिनाती में साथ काम करेंगे हनी सिंह और महेश भट्ट।